इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रायबरेली के गल्ला मंडी से, जहां एक युवक 18 वर्षीय उज्जवल सोनकर किसी काम से बाइक से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसका गला चाइनीज मंजे के संपर्क में आने से कट गया और खून काफी बहने लगा, जिसके बाद उसे आनंद फानंद में जिला चिकित्सालय में लाया गया, जहां उसकी हालत को गंभीर देखते हुए उसे लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। जी हां, हम आपको बता दें, चाइनीज मांझा की चपेट में आने से युवक का गला कट गया, जिसके बाद उसे आनंद फानंद में जिला चिकित्सालय में लाया गया, जहां उसका काफी खून बह जाने के बाद उसे लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। रायबरेली कोतवाली क्षेत्र के गल्ला मंडी के पास की है घटना। S7 के लिए हेमंत चौधरी के साथ अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट। देखिए, एक उज्ज्वल सोनकर नाम का लड़का आया था, करीब 18 साल का लड़का है वो, और वो न्यू गल्ला मंडी का रहने वाला है, रायबरेली का रहने वाला है, और वो बाइक से कहीं जा रहा था, जो रास्ते में मंजे से उसका गला कट गया, करीब 10 से 15 सेंटीमीटर के आसपास गहरा कटा हुआ उसको, और बहुत ब्लीडिंग हुई है, उसकी कंडीशन सीरियस है, जिसको मैंने सर्जन साहब को बुलाया, डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल सर आए, आके पूरा मैनेज किया उनको, मैनेज कर स्टिच किया, सब कुछ मैनेज करने के बाद से फिर उसको लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। कंडीशन ठीक नहीं, सीरियस है, मंजे से कटा हुआ है।